उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने शनिवार को झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय परिसर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर डीसी और एसपी ने कहा कि निश्चित रूप से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब बनने से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर और सुनियोजित तरीके से कार्य किया जा सकेगा और इसका लाभ गुमला जिले वासियों को मिलेगा। मौके पर सदर एसडीओ रवि आनंद, एसडीपीओ थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जिले वासियों से भी सतर्क और सावधानी बरतते हुए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में आकर बाहर ना जाए। गांव समाज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कोई मामले प्रकाश में आते हैं तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस को दे, निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। कार्यरत है, लेकिन हमारा जो एम होता है, हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो पकड़ लेते हैं, फिर बच्चियों को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की कड़ी टूट जाती है। उसी कड़ी का एक हिस्सा है एहतु क्लब, जहाँ से उनको वापस समाज में रिहैबिलिटेट करने का एक कोशिश की जाएगी। और इसके लिए समाज के स्टेक होल्डर, जिसमें आप मीडिया बंधु भी है, जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, जो भी गणमान्य व्यक्ति है, उनको भी रोप इन किया जाएगा, ताकि उनके थ्रू समाज में एक मैसेज परकुलेट हो डाउन द लाइन कि ये ट्रैफिकिंग ही बहुत ही गलत बात है, क्राइम है, और बच्चियों को अभी पढ़ने का और इन सब का समय देना चाहिए 18 साल तक, और उसके बाद ही उसके काम धंधे की सोचनी चाहिए। गुमला तो, ट्रैफिकिंग के मामले में सर बहुत आगे है, बहुत नाम क्या बदनाम कहेंगे पूरे देश में, बहुत अधिक बच्चियों का यहाँ से ट्रैफिकिंग हुआ है। अब क्या स्थिति है और उसको रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? गुमला प्रशासन लगातार इस पे कार्यरत है, बहुत बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है, मजदूर को भी रेस्क्यू किया गया है, प्रॉपर टीम वर्क काम की है हेतु थाना और CWC एंड DSW के थ्रू। तो हम लोगों ने लगातार प्रयास है और इसी प्रयास की अगली कड़ी हेतु क्लब है। हम लोग की कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि कैसे हम लोग गुमला को जो इनफेमस है ट्रैफिकिंग के लिए, उसको अच्छे से उसको ख़त्म कर पाए और बढ़िया समाज में एक दिशा दे पाए। आज वर्ल्ड अवेयरनेस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डे भी है, इस दिन के तहत ही हेतु क्लब की शुरुआत की गई है। थैंक यू सर। एक एक दिन करके कुछ कुछ समय देकर उनके साथ एक अच्छा प्लेफुल माहौल रहे, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनका एक साइकोलॉजिकल उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए, और वो उन बातों को भूलकर एक कॉन्फिडेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वापस बन सके, समाज में उनका वापस एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ सके, वो फिर खिलखिला के वो बच्चे हंस सके और अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। और प्रशासन के दृष्टिकोण से उनको एक सहयोग मिलते हुए एक बड़े गार्जियन के रूप में उन्हें अगर वो वापस खुशी दिला सके, इस क्लब की स्थापना को मैं कहूँगा एक माइलस्टोन है इस जिला के विकास के लिए। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।